आज आपको बता रहा हूँ, ये 8 चीजें अगर आपके घर में हैं तो तुरंत उठा के इसको बाहर फेंको। ये सबसे खतरनाक चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। सबसे पहले कई बार मैंने बताया है कि झाड़ू को सुला के नहीं रखना, झाड़ू सीधा रहना। लेकिन झाड़ू ढीला पड़ जाता है, उसकी एक एक तिनका निकलता जाता है, काड़ी निकलता जाता है, और लोग उसी को रख के झाड़ू निकालते हैं। अगर झाड़ू घिस भी गया है तो अच्छे से बांध करके, पकड़ करके, टाइट पकड़ करके झाड़ू मारना चाहिए। झाड़ू को, नमक को मैंने सदा लक्ष्मी बताया है, क्योंकि शास्त्रों में झाड़ू और नमक को ही लक्ष्मी के प्रतिनिधि चिन्ह के रूप में घरों में बताए गए हैं। और जिसके घर में झाड़ू का ढीला होना और एक एक तिनका बाहर निकलना होता रहता है, उस घर में पैसा एक एक करके निकलता जाएगा। जय हिंद, खत्म हो जाएगा सब कुछ। इसलिए झाड़ू को ऐसे टाइट रख के रखो कि भाई आप ध्यान से रहो कि भाई हमारे घर की ये छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जिंदगी को बदलने में ये सब चीजें बहुत काम करती है। झाड़ू को कभी भी वायुव्य कोना में, नॉर्थ वेस्ट में ही रखना। पहले के वास्तु के वीडियो जो दूसरे मेरे चैनलों में डाले, उसमें मैंने बताए हैं कि भाई झाड़ू को कभी भी खड़ा रखना है, सीधा रखना, सुला के नहीं रखना, वायुव्य कोण में, नॉर्थ वेस्ट में ही रखना। झाड़ू ढीला नहीं होना चाहिए। जिसके घर में झाड़ू ढीला, तिनका तिनका निकल रहा है, उसका तिनका तिनका करके पैसा निकल जाएगा, सुख निकल जाएगा, शांति निकल जाएगा। इसलिए झाड़ू को कभी भी बराबर बांध के ही रखना चाहिए, और झाड़ू को घर के बाहर लाके रखना नहीं चाहिए। कई घरों में घर के बाहर पैसेज में झाड़ू पड़ा रहता है, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी जिसने लक्ष्मी को बाहर डाल दिया है। इसलिए झाड़ू का व्यवहार सही रखना है। दूसरी बात, आजकल मंत्र तंत्र यंत्र टोटकों का उपाय का बहुत चलाव हो गया है। कोई कहीं डोरा लेने जाता है, कहीं कोई यंत्र लेने जाता है। हर घर में एक छोटा मोटा यंत्र डोरा किसी का दिया हुआ रहता है। आपको बता दूं कि ये यंत्र लिखने देने वाले मांत्रिक या यांत्रिक या तावीज बनाने, खंडे बनाने वाले लोग अगर पूर्ण विद्वान हो तो फिर कोई बात नहीं, वो निश्चित शुभ काम करके ही रहेगा। उस यंत्र में एक बिंदु या मात्रा या एक अक्षर भी छूट गया हो तो निश्चित उन देवताओं का कोप के भागी आप बनोगे, क्योंकि वो गलत यंत्र आपके घर में संकट पीड़ा उत्पन्न करेगी। और आजकल लोग शत्रु को मारने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए भी उपाय करते रहते हैं। जो दूसरों को परेशान करने की कोशिश करते हैं उनको मैं सावधान करना चाहता हूँ। दूसरे तो परेशान होंगे कि नहीं ये तो राम जाने, लेकिन परेशान आप जरूर हो जाओगे जो दूसरों के अहित सोचते हो। और ऐसे चैनल जो शत्रु का नाश 5 मिनट में हो जाएगा, शत्रु का नाश 5 मिनट में करने का ये उपाय ऐसे बताते हैं, वो भी सावधान रहें, क्योंकि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का उपाय बताने वाला और उपाय करने वाला दोनों ही नुकसान में रहेंगे। इसलिए गलत यंत्रों को, गलत चीजों को घर में रखे हो तो उठा के फेंक दो। और आपको तो मालूम ही नहीं है कि मंत्र क्या होता है, यंत्र कैसे लिखा जाता है। और गली गली में मंत्र यंत्र लिखने वाले आजकल उत्पन्न हो गए, जो 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया ले लेके यंत्र दे रहे, खंडे दे रहे, तावीज दे रहे, बच्चों के गले में डाल दिए जाते हैं और घर में रख दिया जाता है, कहीं घर में टंगा दिया जाता है। इस प्रकार के गलत यंत्र, गलत डोरे, गलत खंडे, गलत तावीज, गलत चीजें घर में निश्चित नेगेटिव एनर्जी लाता है, और वो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन को ही भविष्य में नेगेटिव कर देगा। और कई ऐसे लोग जाके मुसलमानों से यंत्र लेके आके हिंदू लोग अपने घर में टांग लेते हैं, कहते हैं कि इससे सुख मिलेगा। सुख तो मिलना बहुत दूर भाई, कुलदेवी ऐसी नाराज होगी कि वापस 7 पीढ़ी तक उसको रिझाने में लगना पड़ेगा। इसलिए अपने धर्म को छोड़ के बाहर उपाय ढूंढने मत जाओ, और उपाय ईश्वर की चरण का भक्ति है। इस उपाय को पकड़ लो तो कल्याण है। बाकी जो आधे पंडितों आधे विद्वानों से कोई ना कोई काम करा के आए हैं वो दुखी होंगे, इसलिए उसको उठा के बाहर फेंक दे तो ये सबसे बढ़िया है, सावधान रहने जैसा। दूसरा, कई लोग बेडशीट हो तकिया हो 2 साल 5 साल उसी का उपयोग करते हैं, दो के भी करते हैं, लेकिन रात में हम जब सोते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे शरीर को समर्पित कर देते हैं।
नई ऊर्जा हम में आती है और नकारात्मक ऊर्जा हम में निकलती है, इसीलिए नींद नहीं लेने वाला एकदम थक जाता है और नींद लेने के बाद एकदम फ्रेश फील करता है, क्योंकि हम सकारात्मक प्राकृतिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नींद में ग्रहण करते हैं। और हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं विष वायु, उसको छोड़ते हैं, नकारात्मक तरंगों को छोड़ते हैं, नकारात्मक शक्ति को बाहर छोड़ते हैं, और ये पूरी शक्ति मात्र तकिए में, तकिए की खोली में, बेडशीट में, बेड स्प्रिट में, बेड कवर में, बेड में ही जाता है, ये पूरा सोने के समय का नकारात्मक ऊर्जा। और मनुष्य शरीर मात्र सोते समय नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ता है, उस समय जो नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई वो बेडशीट को रोज आप अगर उपयोग करते हो तो समय जाके ये नकारात्मक शक्तियां आपके माइंड को डिप्रेस करना, टेंशन में डालना, आपके दिमाग को एकदम परेशान करना, गुस्सा लाना, घर में झगड़ा कराना, काम करे तो असफल करना, ये सब काम करता है। अगर कोई साधु अपने आसन को जिंदगी भर रख के उसी में साधना करके सिद्धि पाता है, अगर साधु के आसन में सिद्धि आ सकती है तो नींद के तकियों में संकट आ सकता है, इसका अच्छी तरह आप ध्यान रखेंगे तो साल में एक बार अपने तकिया बदल दिया करिए और उस तकिए को बाहर फेंक दिया करिए और बेडशीट बेडस्प्रिट को बाहर फेंक दीजिए। 100-200 रुपए का खर्चा होगा, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो नया तकिया, नया बेडशीट, नया बेडस्प्रिट जो आएगा आपके लाइफ को भी नई ऊर्जा लेके पहुंचेगा। और ये कोई नहीं जानते कि भाई हम रोज पुराने नकारात्मकता को सिर पर लगा रहे हैं। बंद की कोशिश समय समय पर धोते रहिए और कितना भी धो के शुद्ध हो एक समय पर बदला ही दीजिए, धोने के बाद भी मेल जा सकता है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं जा सकता, इसलिए उसको शुद्ध करके जहां तक रखना है, लेकिन समय पाके वर्ष में एक बार बदला दें। और अगर कोई पुराना गंदा तकिया, कई घरों में मैं देखता हूँ अलमारी के ऊपर पुराने गंदे तकिए पड़े रहते हैं, मेहमान आए तो उनको पकड़ाए जाते हैं, ये गंदगी आपके पूरे घर को गंदा कर रहा है, ये समझ के आप एक बार फेंक देंगे तो आपका भी कल्याण है, न घर का भी कल्याण है, न भविष्य का भी कल्याण है, इसका आप ध्यान रख ले तो अच्छा है। अब चौथा देखेंगे तो दर्पण। दर्पण एक ऐसा वस्तु है जो हमारे शरीर के ऊर्जा को वैसे ही प्रतिबिंबित करता है, हम जो हैं उस शक्ति को ऐसे के ऐसे ही अगर प्रतिबिंबित करने की कोई शक्ति हमारे घर में है तो वो दर्पण है। जिस घर में टूटा दर्पण हो उनके शरीर में बीमारी आना, चमड़े की बीमारी आना, खुजली होना और विभिन्न प्रकार के परेशानियां आना निश्चित रूप से होगा, इसलिए टूटा हुआ दर्पण हो, टूटा हुआ या पीछे से उसका जो पॉलिश गया हुआ दर्पण हो, इन चीजों को निकाल करके सुंदर उत्तम नया दर्पण लगाएंगे तो आपके जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। दर्पण बदलाने जैसा है, झाड़ू बदलाने जैसा है, बेड स्प्रिट तकिया खोली बदलाने जैसा है, और खराब तंत्र मंत्र किए हुए कोई भी आधे अधूरे यंत्र मंत्र जो भी हो जिस पर आपका विश्वास नहीं हो कि ये पक्के सिद्ध पुरुष है, वो छोटे मोटे ज्योतिष पंडित अधूरे आधे सबसे जो भी लिया उन सबको बदलाने जैसा है, इन सबको बदलाने के बाद अब बदलाने जैसा है आपके पुराने कपड़े। कई लोगों को ऐसा है वो सोचते हैं कि मैं घर निभाता हूँ, कई औरतें ऐसी हम घर निभाते हैं ऐसा बताने के लिए पुराने डब्बे इकट्ठे करके रखेंगे, पुराने कपड़े सील सील के पहनेंगे, उसमें इतनी नकारात्मक ऊर्जा रहती है पूछो मत, और उसमें भी खराबी ये पुराने कपड़े किसी गरीब को दान में देना, अरे वो गरीब है तो क्या हुआ, उसको दिलाना है तो ताजे नए कपड़े दिलाओ, नहीं तो आपके पुराने कपड़े कहीं कूड़े कचरे में फेंको, वो गरीब ही मिला जो आपको पुराना देने, जो पुराना कपड़े गरीबों को देते हैं और राजी होते हैं कि हमने दान किया उनके जीवन में कभी समृद्धि नहीं बढ़ती है, इसलिए ना तो आप पुराना पहनो ना किसी दूसरे को पुराना दो, ये दो काम आप सुधार लिए तो आपका कल्याण तो ऐसे ही हो जाएगा। और कई घरों में आजकल मेलामाइन प्लेट, मेलामाइन कप, मेलामाइन बर्तनों से भोजन करते हैं, जो प्लास्टिक कहते हैं या मेलामाइन कहते हैं, और कई लोग चीनी के बर्तनों में खाते हैं, अगर उसमें क्रैक भी हो चीनी के बर्तन में मेलामाइन में, अरे बर्तन से नीचे तो कुछ नहीं ची रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, खाली क्रैक हुआ लेकिन बराबर है, इसमें से दाल तो नहीं टपक रहा, पानी तो नहीं टपक रहा, फिर क्या, ऐसा सोच के ये टूटे हुए मेलामाइन बर्तन, कप, चीनी के बर्तन, इन सब का जो क्रैक है उसका उपयोग करते हैं, फूटी थाली में खाओगे
तो जिंदगी में लाख कोशिश कर को भी सुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि थाली में छेद करना ये एक कहावत ही है भाई, खाए हुए थाली में छेद करना, क्योंकि वो काम ही गड़बड़ करने वाला है। इसलिए आपके खाने के बर्तन में कोई भी क्रैक, टूटा फूटा, चीरा खुपटा हो तो पहले उस बर्तन को निकाल दो, भले ही दो बर्तन कम हो उससे जीवन गुजार लो, लेकिन फूटे बर्तनों से घर मत चलाओ। आज ही खाली करो जो बर्तन खोटे खराब है, आपका जीवन देखोगे कि चमका चमक हो रहा है और आप चमक जाओ। ये चिंता फिकर से इतना चो 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 करता हूँ और कुछ नहीं है। और आपके घर में अगर चप्पल को आप पूरा आधा घिसा है, कई लोगों को मैं देखता हूँ कि यहाँ तलवे दिख जाए, इतना चप्पल घिस जाए, वहां तक उस चप्पल को पहनेगा पहनेगा पहनेगा, बेचारा पूरा तलवा दिखाएगा, जब तक वो सोचता है कि मैं घर निभाता हूँ, देखो इस चप्पल से भी चलाता हूँ। लेकिन जिसके चप्पल घिस गए हैं उसके तकदीर भी घिस गए हैं। घिसे हुए चप्पल को पहन के कोई घूमता है तो वो लाख कोशिश करके भी अपने मेहनत में सफल नहीं होगा, ना घर में शांति नहीं आएगी। चप्पल जहां तक चल सकता उतना चलाए, उसके बाद नए चप्पल खरीद ले। अगर आपको लगे मैं घड़ी घड़ी चप्पल नहीं खरीद सकता तो कम भाव के चप्पल खरीदो, कम मूल्य के चप्पल खरीदो, लेकिन पुराने घिसे चप्पल निकाल दो। आ कई लोगों को पूछता हूँ ये क्या, अरे मारा 2000 का चप्पल ले कैसे छोड़ो, अरे तू 20 रुपए का भी मिलता भाई चप्पल रबड़ का मिलता, तू वो पहन ले, 2000 का लेके आधा घिसा के चलेगा, इससे अच्छा है कि 20 रुपए का लेगा तो 2000 तक 100 बार आज तक पहन चुका होगा ना, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो बूढ़ा होके मरेगा तब तक यही चप्पल पहनते घिसेगा तो तेरे बेटे भी बेचारे दुखी होके रोएंगे ना, तू भी धनहीन होकर के रोएगा। इसलिए चप्पल बदलाने का काम सबसे पहले करना है, और उसके बाद आटा, नमक और चावल, ये बर्नियों में जिन घरों में पूरा, कई घरों में ऐसे होते हैं जो महीने में एक बार राशन खरीदते हैं, उनको मालूम है कि महीने में खरीदना है, तो नमक पूरा खाली हो जाए, आटा चावल का डिब्बा पूरा खाली हो जाए, उसके बाद ही दुकान जाके आटा नमक चावल लेके आते हैं। उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये चावल आटा नमक ये सब समृद्धि के चिन्ह है, जहाँ समृद्धि खाली करने के बाद ही समृद्धि का जिसको ख्याल आएगा उसकी समृद्धि कभी बढ़ नहीं पाएगी। ये नमक आटा चावल का पैकेट एक्स्ट्रा ही लाके पास में रखा करो, डब्बे में जैसे जैसे थोड़ा हो वैसे वैसे भरते जाओ, आप देखोगे कि उसको खाली नहीं होने दोगे जब तक आपके अलमारी से भी लक्ष्मी कभी खाली नहीं होगी। जैसे ये भर रहे हो वैसे आके अपने आप भर जाएगी, इस प्रकार से जीवन में मंगल हो जाएगा। आपको छोटा सा तिनका कोई चीज लगता है, मैं कई बार बोलता हूँ कि ईशान कोण में पड़ा हुआ माचिस का तिनका भी बहुत बड़ा तकलीफ लेके आता है। हर तिनके में, हर छोटी सी तीली में, हर काड़ी कस्तू में, हर वस्तु में कोई ना कोई ऊर्जा है। वो ऊर्जा सकारात्मक है तो जीवन समृद्ध है, सुखी है, वो नकारात्मक है तो जीवन में दरिद्रता है ना दुख है। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे बताए हुए 8 चीजों को सुधार लोगे तो आपका जीवन भी सुखमय सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। और